हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉप 10 काउंटडाउन है हमारी सबसे बेस्ट एनिमेशन मूवीज़। और क्योंकि जब हमने एनिमेशन मूवीज़ की बात कर ही दी है, तो एनिमेशन मूवीज़ में जिसने अपना युगो युगो से परचम लहरा रखा है वो है हमारी डिज्नी मूवीज़। तो लगभग लगभग ये मान लो कि इस टॉप 10 में 70% लगभग लगभग हमारी डिज्नी की ही मूवीज़ है, जो कि आपकी भी फेवरेट रही होंगी आई थिंक। तो अगर आपकी कोई सी भी इसमें से टॉप 10 मूवीज़ हैं जो कि फेवरेट है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो अपने फेवरेट दोस्तों के साथ जो मूवी लवर्स हैं और जिनको वेब सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। ओके, तो आपने कुछ कुछ गैस तो लगा ही दिया होगा। हमारे पास है नीमो, हमारे पास है पांडा, हमारे पास है आइस एज। और बताइए फिर बाकी आपकी कौन सी बची, जो आपकी फेवरेट लिस्ट अगर इस मूवीज़ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे कि हम नेक्स्ट जो पार्ट बनाएंगे एनिमेशंस का उसमें उसे भी रिक्रूट कर पाएँ। और ये मेरी सारी की सारी सबसे फेवरेट मूवीज़ है। तो नंबर 10 पे हमारे पास है होटल ट्रांसवर्निया, ठीक है। और सबसे खास बात लगभग लगभग मूवीज़ों की यह है कि इन सबके ही पार्ट्स हैं। होटल ट्रांसवर्निया आपको मिलेगी 3 पार्टों में, जो कि बहुत ही बेहतरीन मॉन्स्टरों को दिखाता है, और वो भी एनिमेशन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा हंसा हंसा के आपको पागल कर देंगे। ये मॉन्स्टर में हमारे पास वैम्पायर है, वैम्पायर की बेटी है, फ्रैंकिस्टाइन है, और जाइंट ऑक्टोपस है। नंबर 9 पे हमारे पास है द इनक्रेडिबल्स, डिज्नीज की। अब हमें सुपर हीरो तो पसंद ही है, आयरन मैन, हल्क, थॉर, कैप्टन अमेरिका, लेकिन एनिमेशन वाले सुपर हीरोज़ की बात ही अलग है। हाँ, बट हिंदी में देखना अलाउड नहीं है, क्योंकि हिंदी में जो एक्टरों ने डबिंग करी है उन्होंने बैंड बजा डाली है मूवीज़ की। तो मूवीज़ अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में देखिए, और इसमें दिखाएंगे बच्चे से लेके बच्चे के पिता तक सभी के सब सुपर हीरोज़ हैं, और हैं क्या, इनक्रेडिबल्स। नंबर 8 पे हमारे पास है डिज्नी की ही सबसे फेमस, जिसका साउंड ट्रैक बहुत ही ज़्यादा हिट रहा और एकेडमी अवार्ड में इसने धूम मचाई, वो है हमारे पास फ्रोजन सीरीज़। फ्रोजन सीरीज़ के भी 2 पार्ट आ चुके हैं, और एल्सा की कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। एक कर्ज जिसकी वजह से आप अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं, और फिर अचानक से वो शक्तियाँ आपको याद आ जाती है, यही सब दिखाया गया है इसमें। और 7 नंबर पे हैं हमारे सबसे फेवरेट मिनियंस। मिनियंस इतने ज़्यादा फेवरेट हुए कि उनकी अपनी ही आप में मूवीज़ बन गई। लेकिन हमारे पास नंबर 7 पे है डिस्पिकेबल मी, एक आदमी जो कि मॉन्स्टर है बाय नेचर, लेकिन उसे एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाती है उसकी 3 बेटियाँ, लेकिन उसके पास कुछ अजीब से कैरेक्टर हैं। नंबर 6 पे हमारे पास है आइस एज। आइस एज एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो आपको दिखाती है दुनिया का खात्मा, मेल्टडाउन दिखाती है। इसमें सीरीज में डायनासोर है, इसमें है अर्थक्वेक, कॉन्टिनेंट कैसे बनते हैं, और लेटेस्ट पार्ट में है कोलाइजन। कोलाइजन जब एक एस्ट्रॉयड गिरता है पृथ्वी पर, और किस तरीके से हमारे कैरेक्टर्स आते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है कुंग फू पांडा, सबका फेवरेट पांडा, जो कि सीखता है कुंग फू, और जिसकी ताकत आती है उसके डंपलिंग से, ऐसे डंपलिंग्स जो इससे देख के मुँह पर पानी आ जाए। लेकिन उसकी जो कैरेक्टर है और उसकी जो कॉमेडी है वो सबको अपना मन मोह लेती है। तो आपको ये सीरीज़ देखनी बहुत ज़्यादा बनती है, और आई थिंक आपने देख ही रखी होगी, इसके 3 पार्ट अवेलेबल हैं। नंबर 4 पे है मेरी पर्सनल फेवरेट हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। पोपला नाम का एक ड्रैगन है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आपको अलग से देखनी पड़ेगी, जिसका एक पंख खराब हो जाता है, और उसका एक पंख उस पर लगाता है उसका वाइकिंग दोस्त, जो कि धीरे धीरे उसका दोस्त बन जाता है, और वो पोपला से पूरी डायनासोर का युग जीत लेता है, और डायनासोरों को अपने वाइकिंग्स कबीले का दोस्त। मिकी माउस, डोनाल्ड डक, सबके फेवरेट, और डिज्नी ने एनिमेशन में ऐसी धूम मचाई कि बस उन्हें कोई पीछे कर ही नहीं सका। आज के टॉप 3 काउंटडाउन, टॉप 10 काउंटडाउन पे हमारे पास है टॉय स्टोरी नंबर 3 पे, और टॉय स्टोरी सभी की फेवरेट रही है, और ये इतनी ज़्यादा हिट हुई है और इन्हें बिलियंस का रिकॉर्ड तोड़ा है, और इस मूवी को आप देख पाएंगे 4 पार्टों में, और आपको ये देखनी बिल्कुल बनती है अगर एक एनिमेशन लवर हैं आप। डिज्नी की ही मूवी आपको लगातार देखने को मिलेगी। नंबर 2 पे हमारे पास है फाइंडिंग डॉरी। फाइंडिंग नीमो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मूवी रही, और उसके बाद बनी फाइंडिंग डॉरी। फाइंडिंग डॉरी को 3D में और ब्लूरे प्रिंट में देखना तो बनता है, TV में आपको इसका एनिमेशन और समुंदर की पूरी दुनिया आपको चौंका डालेगी, और ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और नंबर 1 पे एक ऐसी मूवी है जिसकी कोई फ्रेंचाइजी नहीं बनी, लेकिन ये मूवी ने जो कमाल किया वो आज तक किसी ने कराई नहीं। एकेडमी अवार्ड विनर अब एक दादाजी जिसका सपना था एक पहाड़ की ऊंचाई में अपनी पत्नी के साथ रहना, लेकिन पत्नी मर जाती है और दादाजी अपने घर को बैलून के सहारे उड़ा डालते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दादाजी अकेले नहीं होते, उनके साथ होता है एक बच्चा, और वो बच्चा उनकी परेशानियां किस तरीके से बढ़ाता है, यही सब दिखाया गया है इस मूवीज में। Oops.
डिज्नी पिक्सार। तो आपका हमारा ये काउंटडाउन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और 13 रीजन वाई का नया ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, प्लीज़ जरूर देखिए। मुझे पता है आप वेब सीरीज़ के लवर हो। नेटफ्लिक्स पे 5 तारीख को 13 रीजन वाई ड्रॉप होने वाली है, पता लोग ऑलरेडी आप देख चुके हो, मुझे पक्का पता है। टॉप 10 बेस्ट सर्वाइवल मूवी, टॉप 10 बेस्ट हॉरर मूवी, टॉप 10 वेब सीरीज़ है जो कि मई में रिलीज हुई है, आपको ये सब मिलेगी हमारे चैनल पे।